हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, उसका एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, मतलब सीधे सीधे ABCD मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC इक्वल टू AD, मतलब जो AC साइड है ये वाली साइड, ध्यान दीजिएगा किसके इक्वल है, AD मतलब ये वाली साइड के, ये साइड इक्वल टू दिस साइड, ठीक। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, मतलब जो AB लाइन है वो इस पूरे होल एंगल को बाइसेक्ट कर दी दो टुकड़ों में, मतलब एंगल जो 1 होगा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, सो डैट हमको शो करना है, मतलब यहीं से हमारा प्रोसेस प्रूफ का स्टार्ट हो जाता है। ट्राइंगल ABC, जो ट्राइंगल ABC कहाँ पास है, ट्राइंगल ABC ऊपर वाला है, कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ट्राइंगल ABD नीचे वाला के कॉन्ग्रुएंट है। इसको हमको पहले प्रूफ करना है, देन आफ्टर उसके बाद हमको बताना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। उसके बाद जो हमारा BC लाइन है, इस वाले लाइन और इस वाले लाइन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब साइड के, दोनों साइड के बारे में आप क्या कह सकते हैं या क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले गिवन डाटा लिखना पड़ेगा, ये गिवन में हमको दिया क्या है, तो गिवन में हमको दे दिया है AC इक्वल टू AD, ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ पास लिख सकते हैं कि AC इक्वल टू AD, ठीक, ये दोनों साइड को इक्वल दे दिया है। उसके बाद AB बाइसेक्टर है, मतलब AB बाइसेक्ट किया है तो हमारा एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के हो जाएगा ना, क्योंकि AB क्या है, इज बाइसेक्टर, शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिएगा, AB इज अ बाइसेक्टर, उसके तहत एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये फंडा आप समझ गए तो पूरा क्वेश्चन समझ गए, ठीक। एंगल 1 किसके हुआ, एंगल 2 के इक्वल हुआ। अब जो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव में हमको क्या करना है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सो डैट मतलब यहां से हमारा सफर हुआ प्रूव करने का। तो सफर में सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, मतलब ABC ऊपर वाला है, ABD नीचे वाला है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, मतलब एकदम समान प्रूव कर देना है कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से इक्वल हैं। तो प्रूव करते हैं, यहाँ पास लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले आपको यही चीज लिखना है जो ट्रायंगल दिया है, यहाँ पास इन लगा देना है, उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को लिख देना है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, यहाँ ऐसे आप लिखेंगे तो 1 मार्क्स आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। यही पास तो मेन फंडा है कि आप कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ABD यहाँ होगा ABD, ठीक। तो अब देखा जाए ट्रायंगल ABC में, तो AC जो लेंथ है इक्वल है हमारी AD के, कहाँ से हम मिला हमको, गिवन में दिया हुआ है, यहाँ पास गिवन में दिया है कि AC जो लेंथ है वो हमारी AD से इक्वल है, ठीक, AD से। उसके बाद एंगल जो 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमको गिवन में मिल गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 ऊपर वाले ट्रायंगल में है, एंगल 2 नीचे वाले ट्रायंगल में है। उसके बाद हमको AB दोनों में कॉमन दिख गया, AB इज इक्वल टू AB हम लिख सकते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी हमको AB मिलेगा, इस ट्रायंगल में भी हमको AB मिलेगा, मतलब क्या हुआ, दोनों में कॉमन है, मतलब ये हमारा एक साइड हुआ, ये हमारा एंगल हुआ, एक साइड हुआ, कौन सा क्राइटेरिया लग गया, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के तहत एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD हमने प्रूफ कर दिया बाई साइड एंगल साइड के तहत। उसके बाद जो बोला है कि कैन यू से, मतलब BC और BD के बारे में क्या कहें, तो जब हम पूरा ट्रायंगल है प्रूव कर दिए दोनों ट्रायंगल, तो बचा ही क्या है, BC और BD आपस में इक्वल हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा कैसे, CP CT से। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपने कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो उसके सारे साइड्स एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं, एक दूसरे से, मतलब समझिएगा बात को, AB है किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा, BC है BD के इक्वल होगा, BC BD के इक्वल होगा, क्योंकि लास्ट टू राइट साइड, लास्ट टू डिजिट राइट साइड।
और इधर देखा जाए ऐसे करेंगे तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, AD के। ऐसे आपको मैनेज करना पड़ता है ट्रायंगल में बहुत, इसीलिए ये यूज़ करते हैं करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये CPCT बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मैं बेसिक वीडियो में बताया हूँ, यहाँ से हमारा इक्वल हो गया। थैंक यू, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKM टी कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। थैंक यू।